मैया मां सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है। क्या हो गया भाभी को? माता ओ माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योगमाया ही आप सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहाँ थे वहीं वापस चले जाइए।
समय कम है। मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसे झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु, ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले कालचक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूं, मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। ऐसे क्या देख रहे हो सबके सब? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगानो है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जानो होगो। ना ना, ऐसे ना नंद जी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगो। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलानो है? ना ना, मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं। बोला बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो उन सबसे क्या कहूं मैं, और तुम्हारे रामू सबला सभी गाय बछड़े वो भी तो कितने आतुर हैं। जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला दुलाकर लाते ही होंगे। तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तू तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना।
अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधु कैटब, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो, शीघ्रता करो, जल्दी यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी, लल्ला के लिए पानी गुंदना करवा दियो है और जीजी उपकन की व्यवस्था भी हो गयो है। और जे रहा आपका अंगोछा, नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोछने के लिए। रोहिणी जीजी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? जशोदा जी, मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची, मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। जशोदा जी, आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जीजी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। चलना ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा। अरे हाँ, ऐसे ही होता है, आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़े क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया, इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी, उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जशोदा जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही है। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो, मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी, आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो, फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जीजी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों, मौसियों, बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण, आप सहायता क्यों ना कर रहे, अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु, मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूं? योगमाया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वो तो आपकी बहन है। बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना।
आप उचित कह रही हैं देवी। अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती है। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ क्यों ना रही हो? मैं सब कर सकती हूँ। किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। अरे तुम चिंता मत करो। लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू? सच सच बोल। नहीं नहीं बोल ना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूँ। चलो हटो। चिंता मत करो, मैं आ गई हूं यशोदा मैया। अरे ये तो आती ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योगमाया, बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो लल्ला को मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जानना पहचान, पूरी तरह अनजान। यशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जीजी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, यशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जब हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाओ, जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? सिखा रही
नहीं अपमानिया विष्णु महाराज। आप सबने कुछ वर्ष पूर्व हुई आकाशवाणी के विषय में तो सुना ही होगा। उस विष्णु ने घोषणा करवाई थी कि उसका अवतार राजकुमारी देवकी के आठवें पुत्र के रूप में जन्म लेगा और मेरा अंत कर देगा। किंतु कल रात्रि तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका काल। ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज, बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही करती रहो योग माया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा, क्या कर रही हो योग माया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये अत्याचार समाप्त हुआ। है? अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है, इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती देखे गोपियां, संबंध अनोखा सबके सम्मुख, पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया, धूप से ही तो इसे
आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगो। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योगमाया। मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभ्रानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है, किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित है यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराज आदिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भूमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज? जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है, उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सब की मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु, विष्णु, विष्णु। बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो। नहीं नहीं, अब आया आनंद। योगमाया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है, किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है।
विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है मत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय, मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना उस छलिये को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वही निवास करेगा जहां सत्य और शांति व्याप्त हो, जहां गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहां ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहां यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहां विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? ये लो मैया, हो गया। माय, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है। ये तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया, इसलिए तो आया है ये संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य, इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र,
नीलमणि को पहना दो पुराने वस्त्र। यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए। नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे चिची, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। चिची, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी भावनी हूं, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ ना छुड़ा पा रही मैं, नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए। सब बहुत आकुल है, अलग पावड़े बिछा कर इसकी प्रतीक्षा कर रहे। एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूं, सबसे पहले मैं मिलो हूं।
मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल, नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो। की सब भी प्रतीक्षा कर रहे। क्षण भर में ऐसा लगो कि साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए हो। कितने सुंदर है नंदलाल, सुखी और दीर्घायु। नंदलाल के पैर जो पड़े, ब्रज भूमि धन्य हो गई। नारायण सदैव प्रसन्न रखे तुम्हें। हमारे इस संसार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल। नंदलाल की जय। 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 नंदलाला नंदलाला, तो सुन रहे लल्ला, ये सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तू थक ना जाए। जितने लोग उत्ता आशीर्वाद यशोदा रानी, जे जसोदा का लल्ला है, इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला, जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की जय। 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 सुना तूने लल्ला, ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला, अच्छा लगो तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला। अपने पराए का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं, मुझे बहुत थक गया है। पता है लल्ला, संध्या होने को आई तो बहुत थक गया होगो, अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंदी आ गए हो। जशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूरख जो पाठ में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा। जी जी,
ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए। वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उस सब इतने अच्छे से हो गयो कि आनंद भी आ गयो। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला को। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरो गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक। सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे चिची, चिंता की बात तो है। हरिराम कुमार की लाली के साथ क्या हुआ था याद है ना? क्या हुआ था? लो यशोदा जी भूल गई, जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर खाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना, दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि। जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षिणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार के लाले को देखने कितने जन आए होंगे, 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगो। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना पूरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप भी हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। हटो सब, चलो रास्ता छोड़ो, हटो। जीजी, भाभी, जीजी, जीजी, क्या हुआ जीजी? भाभी क्या हुआ? अचानक क्या हो गो, जे गौशाला में क्यों जा रही है? पतो नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया। सबला, तुम्हें तो पतो है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी। तुम ही सहायता करो मेरी। आप हैं? इसमें सबला क्या करेगी मैया, ये तो गाय है। ये कोई खेल है क्या? मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गोमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र। यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जी जी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहे हो। अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो हो गई है, किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे। चाहिए कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? जी। हाँ, नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी, तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा। बताओ इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है वैसे जिन नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है। तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। Thank you.
जीजी, नीलमणि को दृष्टि से बचाने के लिए सबला ने दियो है मोरपंख। हाँ यशोदा, गाय एक माँ की तरह हमारी चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। आज तो सच में सिद्ध हो गया, गाय सच में माता होती है। चलो अब भीतर चलते हैं, सुबह से दूध भी नहीं पिया इसने। उतर गई बुरी दृष्टि? मैं लल्ला की नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं, तुम्हें भी तो लगी होगी ना बुरी दृष्टि। इससे अधिक तुम्हारा चेहरा चमक रहा था आज, जैसे पूर्णिमा का चांद हो। कुछ भी बोलते हो, चुप करो। जे देखो, लल्ला की रक्षा के लिए सबला ने दियो है, मैं ना इसका मुकुट बनाऊंगी, मोर पंख मुकुट। चिंता तो मुझे भी थी, सब लोग रह रहकर लल्ला की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि नंदलाला अद्भुत अनोखा है, नटखट है, निराला है। यशोमती का नंदलाला, यही कह रहे होंगे ना? मुझे ध्यान ना है। ध्यान ना है मतलब? हाँ यशोदा रानी, हाँ, सब लोग इस छोटे से राजकुमार को यशोमती मैया का नंदलाला कहकर ही बुला रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि यशोमती और नंद इसके बिना अधूरे थे, इसने हम दोनों का जीवन सार्थक किया, हमें पूरा किया हमारे लल्ला ने। अरे मेरा लल्ला, सही करो ना मैं? बाबा आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैया की ममता के आगे तो सारा संसार फीका है। जे कह रहो है कि मुझे मैया की गोद में जानो है, मुझे भूख लगी है। हो 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 हो, भूख लगी है? हम्म, चल आ जाओ। अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी ना पिला सकती? इस मुस्कान पर तो संसार ने उछावर, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना? जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले, उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। लल्ला, अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा कैसी ध्वनि है ये? बालक है वो, पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी, आप शांत रहो और जे महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ, क्रोधित है क्या? योगमाया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हस्ती
ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। घर क्यों ना ले रहो तू? बच गया। हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा? पूरे दिन विश्राम ना किया तुमने? थक गई होगी, विश्राम कर लो। अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? अच्छा लल्ला। मैया, लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योगमाया, सहायता करो ना। भैया, यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है। यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका, पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ, ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना। धैर्य भैया, धैर्य। ये मैया है, जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है। अब आप भी विश्राम करो मैया। सच्ची, स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती। कब तक सोता रहेगा? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है।
पूरी रात ना सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सोई ली। मैं तो इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जे मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना, अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा, तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। अपनी मैया का कहा नहीं माने को? भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया, ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का यह संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक वृद्ध जवान जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ। घेर लो सबको। अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है। पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। लगे को लल्ला को चिपचिपा उपटन। को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में। ये हुई ना बात, थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी
आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परंपराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं, अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। ये कैसी माया है? स्नान समाप्त हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि। राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया, और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था, और अब बिलक बिलक के रो रो है। यशोदा, नीलमणि दिख तो मेरे समान है, किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए, मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ। अब तो जी 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को, आसपास के सभी गाँव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है, मैं संदेश दे दूंगा, आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। ये क्या है देवकी? ये देखिए स्वामी, ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देवकी, यहां की वायु भी कंस की गुप्तचर है। किंतु स्वामी ये तो बताइए, ये वस्त्र कैसा है? वस्त्र नहीं, अपनी ममता सी ली है आपने, उस पे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ क्यों ना रहो के सब भैया, बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे। हाँ जे देखिए,
एक में भी आनंद ना हो है कैसे भैया, है कि नहीं नीलमणि? जे भी ना बोल रहे, आप और दिखाओ ना। इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा? हाँ, किंतु छाटना तो पड़ेगा ना, सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना? कैसा भैया वो वाला दिखाओ, जे वाली? हाँ लल्ला। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्ठी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए, किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। ये पहरेदारों ने दिया है देवकी, हम बंदी गृह में नहीं है, किंतु सच तो यही है हम कंस के बंदी हैं। काश कोई उपाय होता, किसी प्रकार हमारा पुत्र तुम्हारे सिले ये वस्त्र पहन पाता, काश। श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः।
लल्ला जे अच्छी लगी। यशोदा ये सब क्या है? नारायण का धन्यवाद जो आपको भेज दियो भाभी। एक वस्त्र के चुनाव में सुबह से दोपहर हो गई। मैं तो उचित चुनाव में सहायता कर ना पायो, परंतु आप अवश्य कर दोगी, पूरा भरोसा है मुझे। मैं चलता हूं। मैं क्या करूं जी जी, कोई वस्त्र मिलनो भी तो चाहिए ना, जो मेरे नीलमणि के योग्य हो। समस्या तो गंभीर है, किंतु महारानी जी इससे अच्छे वस्त्र आपको पूरे मथुरा मंडल में और कहीं नहीं मिलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम ऐसे वस्त्र ढूंढेंगे जो हमारे राजकुमार को बहुत अच्छे लगे, है ना नीलमणि? पुत्र कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते। बताओ लल्ला तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। हमारी एक टुकड़ी घायल अवस्था में वापस आ चुकी है, अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। तुम दोनों सतर्क रहना, हमारे कंस महाराज कभी भी आ सकते हैं। अवश्य हमने स्वप्न देखा होगा देवकी। यदि स्वप्न था तो मेरे बनाए वस्त्र कहां गए स्वामी?
ये देखो, लगतो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वर। क्या केशव भैया, तब से जो सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। ये लीला मेरी नहीं देवी, मां की ममता की है। मुझे तो बस अपने कर्तव्य का भान है। दो दो माओं का पुत्र होने के नाते मैं उन दोनों में से किसी की भी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं वरदान देता हूं, यदि अब से कोई भी मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा, तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा। प्रभु, आप जहां होंगे मुझे तो वहां होना ही है। आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर के प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी। और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो मेरे भय से अपनी सभी नवजात शिशुओं को एक एक कर मुझे सौंप दिया था। वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सारा प्रपंच उस विष्णु का रचा हुआ है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। सैनिकों को गांव गांव भेजकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज, हमें तो केवल अपनी खोज को केंद्रित करना होगा, अपनी रणनीति को बदलना होगा हमें महाराज। क्या सुझाव है तुम्हारा नरकासुर? स्त्री पुरुष युवा वृद्ध, इन सभी के प्राण लेने आवश्यक नहीं है महाराज। मैं तो कहता हूं हमें केवल उन शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारना चाहिए जिनकी आयु 10 दिन से कम है। लगता है कंस को मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। क्रोध काम लोभ
वाह मेरे मित्र वाह। व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों ही उसके मित्रों पर निर्भर करते हैं, और जिसके तुम जैसे हितैषी हो उसका कोई अहित नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुझाव है ये, यदि हमें उस विष्णु को रोकना है तो 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों के प्राणों को हरना होगा। अब बस हमें ये सोचना है कि इस कार्य को करने के लिए हम में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। होगा नहीं महाराज, होगी। इस कार्य के लिए हमें एक स्त्री चाहिए, एक ऐसी स्त्री जो शिशुओं को अपना भोजन बनाने के लिए विशेष रुचि रखती हो। मैं स्वयं जाकर मिलूंगा उससे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त वही है। उतना। लल्ला सब ठीक तो है ना? लगा। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये फूल टोकरी में धरवे लायक ना है भाजाई, ये तो घर द्वार सजाए वे के ले। यशोमती मैया के नंदलाला का षष्ठी पूजन जो है आज। मैया मैया मैया। अरे तू तैयार ना हुआ अब तक? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। सीधा खड़ा रह, नंद महाराज के यहाँ षष्ठी पूजन के लिए जाना है कि ना? हम नंद बाबा के घर तो हाथी पे जाएंगे ना। तो फिर क्या, घोड़े पे जाएंगे? ना हाथी पे जाएंगे ना घोड़े पे जाएंगे, हम नंद जी के घर पालकी में जाएंगे। सच्ची? हाँ, हाथी घोड़ा पालकी, जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय नंद गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। रंगोली रंग सज रहे न्यारे, इत्र महक रहे हैं मोगरे वाले। मोर पंख के मुकुट लगा के पशु भी लग रहे कितने प्यारे। सज गए घर आंगन दीवारे, सज रहे पालक दर और नारे। खीर जलेबी दूध मलाई, प्रेम में डूबी बने मिठाई। एक झलक पाना चाहे सब को स्वर्ण सदम के मोती माला कड़ा बजनिया होकर मगर खुशी में खनके। आनंद उत्सव मन को भाए, काना मन मन मुस्काए।
तैयार आज नए वस्त्रों में कितना मनोहर लग रहा होगा वो। मेरे अस्तित्व का कण कण आज षष्ठी देवी की आराधना करना चाहता है, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो भैया को संदेह हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों से सदैव सुरक्षित रहे, किसी अनिष्ट या विपदा की छाया भी उस पर ना पड़े, वो सदैव खुश रहे। हमें लगा महाराज कंस हैं, किंतु ये तो उनकी छाया है दुर्जन। छाया नहीं, महाराज कंस का सबसे अधिक प्रिय और विश्वसनीय सेवक हूं मैं। जो भी हो, उत्सव की मिठाई कहाँ है? आपके घर पुत्र हुआ है। तनिक धीरे बोलो मित्र, तुम्हारे कारण मेरे पुत्रों के प्राणों को संकट आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? तुमने सुना नहीं, महाराज कंस का आदेश है कि 10 दिन से कम आयु के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। षष्ठी मैया की जय। 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 है निष्ठा भक्ति करते समर्पित, देखो नंद यशोमती, देव भी दर्शन करने आए, ये महिमा है उसकी। संतान के हित के हेतु होती पूजा है जिसकी, पालन पोषण रक्षा करती है वो माँ षष्ठी। कंस बहुत ही निर्दयी है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी समेत अपने पुत्र को भी पड़ोसी राज्य भेज दिया है, उसके मामा के यहाँ। वहाँ वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। किंतु आप तो उनके सबसे अधिक विश्वसनीय सेवक हो मित्र। जब महाराज ने अपनी बहन की संतानों की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, तो फिर मेरी सेवा और स्वामी भक्ति मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगी? आप सत्य कह रहे थे स्वामी, भैया बिल्कुल नहीं बदले, तो अभी भी मेरे पुत्रों को ढूंढ रहे, उसे बीमार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को देख के। वो वस्त्र, जब मैं वो वस्त्र सिल रही थी तो अवश्य प्रहारियों ने मुझे देख लिया होगा और उन्होंने भैया को जाकर बता दिया होगा, तभी तो भैया को मेरे पुत्र के विषय में संदेह हो गया। भैया पता नहीं क्या करेंगे। हे नारायण,
श्री नारायण के न्याय में विश्वास रखो देवकी। हमारा पुत्र साक्षात श्री विष्णु का स्वरूप है। उसकी रक्षा षष्ठी देवी स्वयं करेगी। आ गए मधुमंगल। पूर्णा मौसी के पोते होने के नाते तुम मुझे पहले से ही प्रिय हो, पर जो भूमिका तुम मेरे जीवन में निभाओगे उसके कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है। आओ मित्र, तुम्हारा सखा तुम्हारा स्वागत करता है। हे मां षष्ठी, गोकुल के भविष्य हमारे राजकुमार को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। सभी संकटों से, बाधा व्याधि से सदैव इसकी रक्षा करना मां। आज मेरे होते हुए आपको कोई सफलता और असफलता के बीच केवल कर्म का अंतर होता है दुर्जन। मेरा शत्रु असफल हो इसके लिए आवश्यक है कि यह कार्य मैं स्वयं करूं। पूजन संपन्न होगा। अब षष्ठी मैया अवश्य ही हर बुरी शक्ति से हमारे लल्ला की रक्षा करेंगी। मैया, मैं बुराई का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा, चिंता मत करो आप। जे देखो, अतिथियों से मिलने के लिए कितना लालायित हो रहा है हमारा लल्ला। दसों दिशाओं में जिसके नाम का डंका बजता है वो महान मथुराधिपति आज मेरे साधारण से आवास पर अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण है वो कार्य जो तुम्हें मेरे लिए करना है। यशोमती मैया के नंदलाला की जय। 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 यशोमती मैया के नंदलाला की जय।
आप सबको यहाँ देखकर मेरी प्रसन्नता तो और बढ़ गई। इतने आश्चर्यचकित मत हो मधुमंगल, तुम विशेष हो, क्योंकि जितने धर्मपरायण तुम हो उतना कोई नहीं। तभी तो तुम देवताओं के दर्शन भी कर सकते हो। पर तुम्हारी दादी कहाँ है मधु? मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है। पूर्णा मौसी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, सच्ची। ये तो वही पुण्य आत्मा है पूर्ण मौसी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिज्जी के लल्ला होगो। तब लगो कि ब्याह के इतने बरसों के बाद ऐसा होना असंभव है, किंतु आज देखो। हाँ पूर्णा मौसी, आपकी कही बात सच निकली। ये देखो मेरा लल्ला। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा, महाराज हूं मैं तुम्हारा। यदि तुमने ऐसा ना किया तो परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना? मैं तुम्हारे भी प्राण ले सकता हूं। नवजात शिशुओं की हत्या करना तुम्हें भी प्रिय है ना पूतना? नवजात शिशु? आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा। दुख तो इस बात का है कि जी भर के तेरे लल्ला को देख ना पा रही है। जानत है गांव में सभी क्या कहते हैं? यशोदा का लल्ला बहुत प्यारा है। हाँ वो तो मैं हूँ, किंतु तुम कैसी हो पूर्णा? किसी ने कुछ कहा क्या? ना ना, अवश्य ही मुझे भ्रम हुआ है। चौंक क्यों गई? हमारा नाता तो जन जन का है पूर्णा। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी यही कर रही है? जी, जी मुझसे बात कर रही है? अरे क्या कर रही हो, सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। क्या हुआ मौसी? कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हैं आपसे? बताओ पूर्णा मौसी क्या हुआ? दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? हाँ, सारे देवता पधारे हैं। किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। हाँ।
चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ, तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा। मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी? बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही। हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है सुधा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। ये आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो अवश्य ही उद्देश्य कछु विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज। आप चाहते हैं मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं? हाँ, किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? तेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। देखा मधुमंगल, लगभग सभी देवता आए थे यहाँ, बस एक उन्हें छोड़कर पता नहीं कहाँ रह गए वो। आहा, तो यहाँ है आप। क्यों गए शनि देव? आइए ना शनि देव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भर कर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। कल्पना करो, छोटे छोटे नवजात शिशुओं के कोमल तन, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आनंददायक आहार,
जिसे मेरा अंत करना था अब ये बनेगी उसका काल। आइए ना शनि देव, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। प्रभु पर अपनी वक्र दृष्टि डाल, उनके लिए किसी भी संकट को जन्म नहीं दे सकता मैं। वो अभी बाल स्वरूप में है, यदि कोई विपदा आ गई तो नहीं नहीं, मुझे उनके दर्शन किए बिना ही लौटना होगा। नन्हे नीलमणि के दर्शन करके मन तृप्त हो गए। सच कह रहे हो भाई, उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। प्रभु के द्वार तक आकर बिना दर्शन किए वापस कैसे जाऊं, जो साधारण मानवों को सहज ही प्राप्त है, वो मेरे लिए इतना कठिन क्यों है। नहीं, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप पर कोई आपदा है या मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा नारायण। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा जी। लल्ला, लल्ला, आजा, आजा, लल्ला, गोदी में आजा, 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 आजा। लल्ला, कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं नहीं, कस्तूरी मेरे पास आएगा। मैं ही लूँगी। लल्ला, आजा, लल्ला, लल्ला। शांत हो जाओ सब, शांत, शांत। घर ना जानो है, हाँ? घर ना जानो है? तुम सब के कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलतो है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिंजी देखो हंस रहा है। आजा, गोदी में आएगा। अरे मुझे देखा है मुझे। तुम सब के कान में बात ना जा रही मेरी, हाँ? अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो। बस करो सब, चलो। ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला, बहुत थक गए ना, हाँ? अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए, अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया, बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनि देव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। ये क्या है लल्ला, मैं तुझे सुलाने के लिए झुला रही हूँ और तू है कि आंखें ना चारो है? कहाँ देख रहे हो लल्ला, कौन है वहाँ? कौन है, कहाँ देख रहे हो? महाराज आप कौन?
और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा, लल्ला को देखने आए हो? अरे तू इतनी देर क्यों कर दी? जब सब आए थे तब क्यों ना आया? आपको पहले कभी गोकुल में देखो ना है? कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनि देव। अच्छा, शनि देव। मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनि देव बता रहे हो, है? क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची का देवता मान लूंगी? संपूर्ण जगत मुझे शनि देव के नाम से जानता है मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले ऐसे दृष्टि ना चुराते, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आपको कैसे समझाऊं, मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता। अपनी वक्र दृष्टि से श्री हरि की मैया का अहित कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा, पहचान का छल सिद्ध हो गए तो मौन हो गए? इससे पहले कि नंद महाराज को पता चले, चलो जाओ यहाँ से। आप बस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया, फिर चला जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं शनि देव हूँ। यदि जे सच बोल रहा होता तो मैं अवश्य ही से लल्ला से मिलवा देती, किंतु जे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, अब तो इसे गोकुल का खट्टा मट्ठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम जसोदा ना। महाराज, यदि आप सच्ची में शनि देव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था। फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए। वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूँ महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गई तो ना ना आप ही बताओ, ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, है शनि देव? अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला, और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए हैं, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी शनिदेव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है, किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना। हाँ नहीं तो। ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनि देव को। हे नारायण, मैं तो आप ही का सेवक हूँ, केवल आपके आदेश पर न्याय करता हूँ और केवल पापियों को दंड देता हूँ। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड, तो फिर सभी मुझे क्रूर क्यों समझते हैं, क्यों भयभीत होते हैं मेरी छाया तक से। देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो फिर ये सौभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया, क्यों? ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु, ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु।
उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। सब आपके स्वरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभु, कह रहे थे आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका संपूर्ण रूप स्वरूप सब कुछ कितना सुंदर है। आपके चेहरे पर दिव्य आभा, अद्भुत तेज। तो आपने मुझे किस दोष का दंड दिया है प्रभु, क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है? भूख लग रही है लल्ला को? हाँ, कि ठंड लग रही है? बहुत थकान होगा ना लल्ला? पीड़ा तो हो रही है मैया, पर थकान से नहीं, शनि देव के कष्ट से। कथा रूप की बाल प्रभु के सुन के मन हर्षे, द्वार गए पर मिल ना पाए, ये तड़पे और तरसे। रोम रोम है पीड़ा में, व्यथित है न्यायपति, किस विधि दर्शन करूं हरि के, ये सोचे देव शनि। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी, तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, आपके संकेत की प्रतीक्षा है प्रभु, एक बार आदेश कर दीजिए कि मेरे भाग्य में आपके शुभ दर्शन है ही नहीं। मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभु कि आप मुझे संकेत दें? संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है, आपके दर्शन करने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए प्रभु, लौट जाना चाहिए। बिना मिले ही जा रहे हैं शनि देव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ, तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं। सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनि देव, क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु,
प्रभु मैं धन्य हो गया, संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया, किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए प्रभु। आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था, फिर कैसे ना आता मैं? जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इससे पहले कि मैया को संदेह हो जाए मुझे जाना होगा शनि देव। प्रभु कृपया अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए। मुझे तो लग रहा है जो गिलहरी की छाया। यशोदा, बालक नीलमणि है और बालकों वाले काम तुम कर रही हो। अरे प्रकाश और छाया से खेलने का काम लल्ला के लिए छोड़ दो। अरे परंतु ये देखो झरोका खुलो है, ठंडी बयार चल रही है, लल्ला को ठंड लग जाएगी, बंद करो जाओ। हाँ 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 लल्ला, ए लल्ला। आज सब कितने सज धज के आए थे तुझसे मिलने के लिए, जैसे दीपावली हो। अरे लल्ला सिवाय इनके देखो। जब से जिज्जी मथुरा से लौटी है इनका सजना सवरना सब छूट गया है। मैया तब तो हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। सुनो जी, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। जे इसे देखो, ना तो जे थको है ना इस आंखों में नींद है। हो सकता है इसका भी मन हो अपनी बड़ी माँ से बात करने का,